अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज बाई दिल, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत मजेदार और यूनिक होने वाला है, क्योंकि कराची के एक बिल्डर हैं जिनके पूरे पाकिस्तान में काफी प्रोजेक्ट हैं, कराची में भी स्पेशली उनके काफी प्रोजेक्ट है जो रन हो रहे हैं, जैसे कि शंगरीला सिटी एंड ऐसे बहुत से उनके प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में एमल टावर के नाम से, तो उन्होंने वहां हमें इन्वाइट किया है एंड साथ साथ हमें वहां डिनर पार्टी भी दी है। तो अभी सारी टीम मेंबर्स को लेकर जाते हैं एंड देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा है। एंड उन्होंने मुझे ये खास तौर पर बताया है कि वो जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इस्लामाबाद में वेल नोन एरिया में, एंड साथ साथ जो प्राइसिंग है ना वो आपको शॉक कर देगी। वो ऐसी प्राइसिंग है कि आपको कराची में भी उस प्राइसिंग पे इजिली फ्लैट्स या अपार्टमेंट नहीं मिलना है। तो अभी चलते हैं, हमारी गाड़ी नीचे आ चुकी है, गाड़ी में बैठते हैं एंड डायरेक्ट चलते हैं एमल टावर एंड फिर वहां की जो डिटेल्स होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो गाइज, हमारी कार्स यहाँ पे आ चुकी है एंड हम यहाँ बैठेंगे एंड निकलेंगे एमल टावर की जानिब। उस्मान भाई, आप निकल रहे हैं? हाँ भाई, एमल टावर जा रहा हूँ। फॉर्चूनर वर्सेस हाइलक्स, कौन जीतेगा? सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त एमल टावर की लोकेशन पे। अब सीन ये है कि यहाँ पे अंदर चलते हैं इनके, जब तक मैं स्टाफ मेंबर से सलाम दुआ कर रहा हूँ तब तक आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें। गाइस, आज हम लोग एमल टावर से मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइंट मैनेजर रिलेशन एमल टावर के। बाकी शायद भाई थोड़ा इस प्रोजेक्ट के हवाले से एलैबोरेट करें। प्रोजेक्ट में के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी कंपनी का बैकग्राउंड बता दूँ। ठीक है, हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से बिल्डिंग्स बना रही है, हमने लैंड डेवलप भी की है, कराची में हमने बहुत काम किया है। अगर आपने देखा हो शंगरीला टावर गुलिस्तान जोर में हमने बनाया है, सुरजानी में हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, शादाब प्राइड, शाकार एवेन्यू, शाकार राइट्स हमने किए हैं। अच्छा, हमारा इस भी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है बैरियर के बाद कराची में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है शंगरीला सिटी के नाम से। इस्लामाबाद में पिछले कोई 8 साल से हम काम कर रहे हैं, 4 प्रोजेक्ट्स तकरीबन हम कर चुके हैं, शंगरीला कम्फर्ट्स कर चुके हैं, दी गैलरिया कर चुके हैं, सनसेट होम्स कर चुके हैं। एमल टावर पे आते हैं, एमल टावर वन ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे हार्ट के बड़े क्लोज है, हमारे सीईओ की साहबजादी हैं एमल, उनके नाम से ये प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्चर आप देखेंगे क्लासिक आर्किटेक्चर है, यूजुअली लोग डब्बे बना के भेज देते हैं तो ये वैसा नहीं है। आप इसका डिजाइन देखें, आर्चेस देखें, इतना एफर्ट आजकल कोई डिजाइन में नहीं डालता।
और जो इसकी सबसे खास बात है वो है इसकी लोकेशन। अच्छा, चूंकि मैं कराची से हूँ तो बहुत लोगों को शायद पता ना हो कि B17 कौन सी जगह है। B17 एक सेक्टर है इस्लामाबाद का। मेरे ख्याल में इस वक्त जो अगर आप कंपेयर करेंगे बैरिया टाउन पार्क है, व्यू जो अली खान वाली है और B17, तो नंबर वन B17 है। तो B17 में यानी जू है, डैम है, बहुत सारी इन्होंने एमिनिटीज दी हैं, खुले रोड है और उसमें नंबर वन प्लॉट गेट से जो ही आप एंटर होते हैं गेट नंबर वन, इसके दो गेट हैं गेट नंबर वन गेट नंबर टू, गेट नंबर वन से जो ही एंटर होते हैं तो प्लॉट नंबर वन पे, प्लॉट नंबर वन एंड टू पे हम अमर टावर बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा हम बना चुके हैं। इसमें हम बड़े स्पेशियस और मॉडर्न किस्म के अपार्टमेंट दे रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट। तकरीबन की हमने तीन कैटेगरीज दी हुई है, उन तीन कैटेगरीज में 1350 स्क्वायर फीट है, 1282 है, 1208 स्क्वायर फीट है। तो टू बेड हमारे सबसे ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं, टू बेड चूंकि सबसे ज्यादा डिमांड होती है, थोड़ा अफोर्डेबल होता है तो टू बेड बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं। वन बेड भी हमने रखा हुआ है कि कुछ लोग हमारे कराची के जो लोग आते हैं या घूमने फिरने आते हैं, आपको पता है, तो वो चाहते हैं कि कहीं रहने की जगह हो तो मरी चले जाएं, स्वात चले जाएं, कहीं और घूमने चले जाएं, इवन गिलगित चले जाएं, तो चाहते हैं यहाँ कोई थोड़ी देर रुकें, आराम करें, फिर चले जाएं, फिर वापस आके रुकें, तो वन बेड अपार्टमेंट भी है यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि सारी चीज जो मतलब एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, 30 मिनट की ड्राइव है, हार्डली 30 मिनट की ड्राइव है यहाँ से, मतलब आप पहुंच सकते हैं। उसके अलावा हजारा मोटरवे, अगर आप हजारा मोटरवे पे कभी आपने सफर किया तो बड़ा खूबसूरत मोटरवे है, अच्छा जी हाँ, तो ये मेरे ख्याल 15 मिनट में आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं, हजारा मोटरवे पहुंच जाते हैं। तो मैं तो खुद चूंकि 20 साल हो गए हैं मुझे अपनी कंपनी के साथ काम करते हुए, 10 के करीब प्रोजेक्ट अलहमदिल्ला मैंने हैंड ओवर करवाए हैं, मतलब मैं चूंकि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब अगर आप इसकी अम्यूनिटीज में जाएंगे तो हम इसी के अंदर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जिम दे रहे हैं, इसी के अंदर मॉस्क है, इसी के अंदर ग्रोसरी शॉप है, इसी के अंदर पार्क है, जो कभी नहीं सुना होगा कि विद इन द प्रोजेक्ट हम एक पार्क बना रहे हैं, जो प्ले एरिया बना रहे हैं किड्स के लिए। एक और चीज हमने की है जो शायद आपने कभी ना सुनी हो कि रूफ टॉप जो है उसका इस्तेमाल हम करेंगे, हम एक कैटरिंग सर्विस देंगे, एक लाउंज एरिया जहां पे आप पार्टीज होस्ट कर सकते हैं विद अ स्टनिंग व्यू। मतलब आप वहां से होके देखेंगे ना, जब 12वें फ्लोर पे आप जाएंगे और उसके टॉप से होके देखेंगे, ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं, इस तरफ डेम है, उस तरफ डेम है, सामने मार्गला की पहाड़ियां हैं। तो मतलब ये जो है ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब मैं इसको अगर सम अप करूं एक वर्ड में तो सिंपली मार्वेलस। बस यादव मेरे भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी जो वॉचिंग है और हम लोग खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी जितनी वॉचिंग है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास साथी, आपने बताया कि वन बेड भी है, टू बेड भी है और थ्री बेड भी है एंड फोर बेड्स भी हैं। अच्छा, इनकी एक चीज़ तो मैंने खुद भी सर्वे किया कि जैसे आपकी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें जो आपने अपार्टमेंट्स जो वेंटिलेशन को जितने भी कराची में अपार्टमेंट्स बनते हैं वो वेंटिलेशन नहीं होती उसमें, इतनी इसमें बहुत खुले हैं, वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया, मतलब जगह जगह डक्ट्स दिए गए और सन वेंट्स भी और सन फेसिंग सनरूफ्स वगैरह भी। जी बिल्कुल, हर तरह से हमने कोशिश की है कि एयर सर्कुलेशन और प्रॉपर हो और खुले और हवादार कमरे हो, यानी जो हमारे आर्किटेक्ट की जो आर्किटेक्चर की जो शुरू में मैंने तारीफ की थी वो इसीलिए की थी कि डिजाइन बनाते हुए ख्याल रखा गया है कि एवरी सिंगल रूम जो है वो फुली वेंटिलेटेड हो, प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो। प्राइस में एंड में पूछना था, मगर मुझे एक और चीज अच्छी लगी थी आपकी, क्या आपने बताया कि अपार्टमेंट्स के बीच में आप लोगों ने कुछ छोटे किड्स एरिया के लिए प्ले एरिया बनाए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज लगी। देखिए बिंग अ फादर, मैं आपको बताऊँ इसके बारे में थोड़ा सा, मैं आपको बता दूँ कि हम चाहते हैं जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम कराची वाले खासतौर पर अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए बड़े इनसिक्योर होते हैं, हालांकि ये फुली गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू नहीं है, फिर भी हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि कुछ माएं जो चाहती हैं कि बच्चों को बाहर ना जाएं, खुद उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बाहर पार्क में चले जाएं, तो वो नीचे उतरे और वहां पे बेंचेस लगे हुए हैं, पार्क बना हुआ है, थोड़े फाउंटेन बनाएंगे, थोड़ी लाइटिंग होगी, तो वहीं से बच्चे खेलते रहेंगे, बैठे हुए सोशल हो रहे हैं, गपशप हो रही है, वहीं चाय लेके बैठ गए, तो ऐसा हमने सोचा कि एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट वाले एक दूसरे के साथ एक सोशल भी हो सके। हमारी जो वॉचिंग है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जितनी भी हमारी वॉचिंग है, उसके अलावा जो हमारी जो कराची से जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, एक थोड़ा फेयर फैक्टर रहता है लोगों के लिए कि यार मैं कराची में इन्वेस्ट भी ना करूँ, इधर ही इन्वेस्ट करूँ, पेमेंट मॉड्यूल्स के टर्म्स के हवाले से हमें थोड़ा लैबोरेट करेगा। ठीक है, मैं आपको पहला सवाल करूँ कि हम कराची में क्यों ना करें, यहाँ क्यों है, कराची में जरूर करें, कराची बड़ा शहर है और कराची में लैंड बहुत स्कार्स होती चली जा रही है और वहाँ पे खरीदना बहुत ही महंगा हो गया। मैं खुद गुलिस्तान जोर में रहता हूँ,
वहाँ पे एक अपार्टमेंट है जिसमें 3-3 करोड़ का एक अपार्टमेंट, छोटा अपार्टमेंट 3 करोड़ का हो गया है। कराची एक तो ना सिर्फ बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो गया है, प्लस वहाँ पे जो हीट वेव्स आ रही हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, और कराची वाले, मैं बहुत 6 महीने पहले मैं इस्लामाबाद से यहाँ आया, मेरी कंपनी ने मुझे भेजा और मुझे लगता है कि मैं जन्नत में आ गया, इतनी खुली जगह, हवादार जगह। तो यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, दूसरा यहाँ पे प्राइसिंग की तरफ आते हैं तो आपको एक ही जगह पे शहर का भी मजा मिलता है, साथ में पहाड़ियां हैं, साथ में डैम है, साथ में जू है, और प्राइस बहुत ही कम है, इतनी कम है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 1 बेड 550 square feet और 3 बेड की हमारी 3 कैटेगरी है, 1300, 1200 इस तरह समथिंग, सबसे बड़ी 1750। इसमें ये है कि हमारी एवरेज प्राइस जो है, 2 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एक जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और एक साथ हमने राह बनाई है उसको खड़ा करना है, बने हुए स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह हम विद इन 18 मंथ हैंड ओवर कर देंगे। इसमें एवरेज प्राइस है 11,500 रुपया पर स्क्वायर फुट। नीचे थोड़ी ज्यादा होती है, ऊपर जाएंगे तो कम होगा, मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ 11,500 होगी और उसके लिए हम आपको 18 मंथ देंगे, 50% डाउन पेमेंट और रिमेनिंग जो है वो 18 मंथ के, विदिन 18 मंथ 50% हमें डाउन पेमेंट करनी है और 18 मंथ की आपकी उसको भी हम सहूलत देंगे, कुछ पेमेंट जो आप पोजीशन पे रख लेंगे और बाकी को हम इस तरह उसको शीघ्र करेंगे कि आपको देने में आसान है। हमारे दोस्तों से भी आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी क्या नाम है इसमें क्या नाम है लेवरेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम हद इम्कान कोशिश करेंगे कि जो है मतलब जो बायर है वो मुतमैन हो जाए, हम चाह रहे हैं हमारे कराची के लोग भी इसमें शामिल हो जाए, तो हमने कहा चले हमको भी मैसेज पहुंचा दें जिसको जो समझ आएगा, तो इंशाल्लाह चूंकि हम खुद भी कराची बेस्ड है, कंपनी कराची बेस्ड है, तो उनको स्पेशल डिस्काउंट इंशाल्लाह। जैसे मैं थोड़ा रिपीट भी कर दूं, आपने बताया जो बेसिक 11,500 1,300 square feet, 1,282 square feet, 1,282 square feet और 1,288 square feet, और सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी है 4 बेड की जो 1,713 square feet। एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, एक तो हमने तैयार स्ट्रक्चर है हमारा, इसके साथ ही चूंकि प्रोजेक्ट एक ही है तो हमने इसको बाइफर्केट किया था कि आधा बना के फिर आधा दूसरा बनाए, कंस्ट्रक्शन मैनेज करना आसान हो जाता है, तो दूसरे स्ट्रक्चर को हम अभी खड़ा कर रहे हैं, राफ्ट उसकी हमने आधी डाल ली है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहे हैं, 30 मंथ्स का दे रहे हैं और उसमें रेट और कम कर दिया हमने। अच्छा, उसमें जो रेट हमने दिया है वो 10,500 रुपये, 10,500 कैन यू इमेजिन, मतलब कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बराबर, 9-10,000 हमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ती है, हमने 500 पर रखा है, 10,500 रुपया पर स्क्वायर फुट। तो उसमें इसी तरह कैटेगरी, इसी तरह की कैटेगरी है, 1 बेड 2 बेड 1 बेड 3 बेड 3 बेड की उसमें एक ही है, 3 बेड की कैटेगरी है, उसमें जो मैंने उन्होंने बताया ना कि 3 बेड की 1200 और 10,000 जो आप बता रहे हैं 10,500 एवरेज प्राइस, नीचे से ऊपर डिफरेंट है, नीचे थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा है और आप ऊपर अगर ऊपर जाते रहेंगे तो थोड़ी कम होती है, हालांकि ऊपर का व्यू बहुत जबरदस्त है, मैं पर्सनली मुझे ऊपर जाना ज्यादा पसंद है, लेकिन लोगों की सारी होती है ना कि वो थोड़ा नीचे रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग कर रहे हैं। जिस तरह का व्यू है और जिस तरह का मतलब एरिया है उसमें अगर जो ऊपर ही रहेगा उसमें ज्यादा भी इसका फायदा है, तो व्यू भी अच्छा अगर सकेगा, उसके बाद व्यू ऊपर के आप बता रहे हैं प्राइसेस भी थोड़ी डिफरेंट है, आप जितना ऊपर रहेंगे आप देखिएगा ये हमारा जिन आर्चेस की मैं बात कर रहा था वो देखिएगा, अभी वो तो हमने तैयार कर ली है, 8th फ्लोर पे आपको नजर आ रही है, तो बहुत ज़बरदस्त स्टनिंग फिसाड है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फिसाड है, एलिवेशन जब ये बनेगा ना पूरा एक गोल्डन हमने थीम रखा हुआ है, जब ये बनेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ है। गेट के साथ ही मेरे ख्याल में जब यूं ही इंटर होंगे ना तो लोग देख के हैरान होंगे, तो ब्रेथ टेकिंग है माशाल्लाह। जब हम यहाँ पर आए थे जिस तरह का हमने सुना था ना, एंड वैसे ही यहाँ का व्यू है, एंड हम लोग तो अंदर से भी विजिट किया है साइट, तो ये कब तक हैंड ओवर हो जाएगा, कुछ पोजीशन के हवाले से है? सर मैंने जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 18 महीने में हम हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा 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 और 18 महीने में ये है कि 50% डाउन पेमेंट आप करेंगे तो 50% को
हम स्केड्यूलाइज करेंगे सही से। आपकी सहूलत के हिसाब से आप मंथली करें क्वार्टरली करें, कुछ पेमेंट को हम एट द टाइम ऑफ पोजेशन दे जाएंगे सही है, और बाकी को आपकी सहूलत के हिसाब से कर लेंगे। और मोड ऑफ पेमेंट आप जो मर्जी रखें, चेक रखें, ट्रांसफर रखें, खुद आके देंगे। बहुत सारे लोग तो खुद आते भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर करते रहते हैं, तो सारी चीजें मतलब बेहतर तरीके से हो जाएंगी इंशाल्लाह। लिविंग लाइफ हवाले से भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अगर आप अपना लिविंग लाइफ को थोड़ा सा ऊपर रेट करो ना, अगर आप कहते हो कि मुझे फैसिलिटीज चाहिए, मेरे लिए लोकेशन मैटर करती, तो दिस इज अ प्लेस टू बी। सो गाइज, ये था आज हमारा एमएल टावर का विजिट एंड सारी डिटेल आपके सामने। अगर आप चाहते हैं कि आप इस अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या इस अपार्टमेंट को बुक करना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दी हुई है। एंड अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड हो सकता है कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, लेकिन मेरा नाम लेना मत भूलिएगा। रेफरेंस कोड अदील ब्लॉग्स जरूर लिखिएगा, उस पर आपको अच्छा खासा शायद डिस्काउंट भी मिल जाए। डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला और फैसिलिटीज में आपको जरूर मिल जाएगी, हाँ इंशाल्लाह ताला। एंड अभी चलते हैं, जरा इन्होंने डिनर रखा होता हमारे लिए, डिनर करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में एमएल टावर का हमने आपको विजिट करवाया एंड सारे जो सीन्स आपके सामने हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं अपार्टमेंट, आप ले सकते हैं। लिविंग लाइफ अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर से लेके ईच एंड एवरी थिंग। एंड यहाँ पे बाबू और वलीद खड़े हैं, इनसे इसके हवाले से थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। बाबू, कैसा प्रोजेक्ट लगा? यार प्रोजेक्ट ऑल ओवर बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात की प्राइसिंग, इस्लामाबाद जैसी जगह पे जो उन्होंने बोला कि जैसे हमें स्क्वायर फीट का ही बता रहे थे 10,500 में उन्होंने रखा हुआ है, और इनको जो उसकी बेसिक अमाउंट पड़ रही है वो ऑलमोस्ट 10,000 तक पड़ रही है पर फीट स्क्वायर फीट। तो ये 500 रुपए बोले थे, 500 रुपए सिर्फ रख के ऊपर, और हम जो है ना मतलब पब्लिक को जो है वो कन्वीनियंस कर रहे हैं। क्या बात है वलीद, आप क्या कहते हैं? यार पहली बात तो ये कि एंटर होते ही पहला प्लॉट है। हाँ, ये रहा गेट, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज है, और ये B17 है ना? हाँ, B17 एरिया, और लोकेशन ही बहुत अच्छी है उन्होंने बताया, और प्राइसिंग के लिहाज से ही माशाल्लाह तो बहुत अच्छा है। और कोई जो है ना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं, जैसे होता है ना कि 6 साल में 7 साल में, विदिन 18 मंथ जो है आपको डिलीवर कर देंगे। कम्प्लीट हुआ है प्रोजेक्ट। सो गाइस, ये है हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमें इन्वाइट किया था एमएल टावर पे। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एमएल टावर, हमने आपको विजिट करवाया, और यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। आपसे अगली वीडियो में मिलता है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।